तो देखिए ये हमारे सामने आइडेंटिटी, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू है हमारा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ये आपका कॉट स्क्वायर एक्स और ये आपका वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है, सिंस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहां से क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो यहां पर हम माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन। और देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है वन, तो यहां पर हम वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन, तो ये आपका कट के जीरो हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो यहां से ये बात प्रूफ हो जाती है LHS इक्वल्स टू RHS QED, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करेंगे। तो आपका LHS आपका क्या है, sec x इंटू वन माइनस साइन एक्स इंटू sec x प्लस टेन एक्स। तो देखिए ये आपका sec x लिखा है, तो मैं इसे लिखूंगा वन अपॉन cos x इंटू, और ये आपका वन माइनस साइन एक्स इंटू, और ये देखिए ये आपका sec x लिखा है, तो मैं इसे लिखूंगा वन अपॉन cos x प्लस, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब ये वन अपॉन कॉस एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, और ये आपका हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहां से देख रहे हैं कि ये cos x इंटू कॉस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका किस जो है, क्या है, आरएचएस है, ठीक है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूईडी,